अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देसी रोटी जो है लगी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं लगा तंदूरी देसी खस्ता रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाई जाती है, इसे लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत। सबसे पहले देसी आटा गूंदने के लिए पानी डाल, ये एक डब्बा पानी डाला है, तकरीबन 5 किलो पानी है। तकरीबन 2 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक टेस्ट के मुताबिक डालना है, मिक्स कर लेगा। 5 किलो पानी है और 10 किलो आटा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब गूंद लेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह आटा जो है वो गूंद लिया और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा थी तो पसीने से बुरा हाल हो गया। आटा गूंदे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी पेड़े जो हैं वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े जो है वो हमने मुकम्मल जो है बाल लिए हैं, तो अभी इन्हें जोड़ेंगे। पेड़े जो हैं वो एक तरतीब से जोड़ दिए, तो अभी कपड़े के साथ इसे ढक दें। सबसे पहले आटा गूंदा, पेड़े जो है वो भी काट दिए हैं, तो अभी रोटियां लगाएंगे। तो चलिए मुंशी भाई जो है ये चीज़ियाँ बेलेंगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देसी रोटी जो है लगी है माशाल्लाह। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।